प्रिय राधा, यदि तुम कृष्ण की मृत्यु नहीं देखना चाहती तो मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारी मृत्यु कृष्ण की मृत्यु से पूर्व हो। यूं तो जीवन में मैं रस, अनुराग और आनंद का वरदान देती हूँ, किंतु आज प्रेम के लिए मैं तुम्हें मृत्यु का वरदान देती हूँ। तथास्तु। तुमने क्या मांग लिया रहा था? मेरे पास केवल यही मार्ग शेष था कृष्ण। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, ये सब तुमने क्या किया राधा? मुझसे पूर्व मृत्यु का वरदान तुम भला कैसे मांग सकती हो राधा? मैं जब मैं अंतिम क्षणों में तुम्हारे साथ नहीं हूँ तो मेरे जीवन का होने का क्या लाभ कृष्ण? इसलिए मैंने अपनी मृत्यु तुमसे पूर्व मांग ली। अब जब तुमने वरदान मांग ही लिया है राधा, तो ये पूर्ण तो अवश्य होगा। राधा की मृत्यु कृष्ण से पूर्व होकर रहेगी, वरदान पूर्ण होगा। मैं चाहूं ना चाहूं ये सत्य मैं बदल नहीं पाऊंगा। इसी सत्य को स्वीकार करके आज मैं ये कह रहा हूं, तुम्हारे भीतर जो कृष्ण के प्रति विशेष प्रेम है, उसी के कारण आज तुमने ये वरदान मांगा है। अब मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हारी मृत्यु मेरी राधे का अंत उतना ही विशेष होगा। मेरी मृत्यु तुमसे विशेष होगी, किंतु कैसे? तुम्हें जो मांगना था तुमने मांग लिया ना राधा, वरदान प्राप्त हो गया ना, इच्छा पूर्ण हो गई ना। अब मेरी बारी है, अब मैं भी देवी सरस्वती से कुछ अत्यंत विशेष मांगूंगा। बताओ तो क्या मांगोगे? तुमने मुझे बताया था कि तुम क्या मांगने वाली हो? बताया नहीं। अब मेरी बारी है, मैं ही बताऊंगा। वैसे भी प्रेम जो है वो अनुभव करने के लिए होता है ना राधे, बताने के लिए तो नहीं। राधे, धन्यवाद माता।
आप मेरे समक्ष प्रकट हुए। बोलो साम, तुम्हारी क्या कामना है? माता, मैं बस इतना ही चाहता हूं कि वासुदेव जी कृष्ण का अंत अगली बसंत पंचमी के आने से पहले ही हो जाए। साम, मैं प्रेम, रस, कला और आनंद की देवी हूं। मैं किसी का संहार नहीं करती। कृष्ण की मृत्यु का विचार छोड़, कुछ और वरदान मांगो साम। किंतु माता, ये तो मेरे साथ अन्याय होगा। मैंने तप किया है और आपको प्रसन्न किया है, तो आपको मेरा मनचाहा वरदान मुझे देना ही होगा। राधा ने भी तो मृत्यु का वरदान मांगा है। मुझे बांधने का प्रयास मत करो सांप। राधा ने स्वयं की मृत्यु का वरदान मांगा है, किसी और को मारने का नहीं। तुमने तपस्या अवश्य की है, किंतु वरदान देने का अधिकार मात्र मेरा है। और ऐसी विनाशकारी कामना की पूर्ति मैं कभी नहीं करूंगी। देवी सरस्वती तो पिताश्री के विरुद्ध कभी भी नहीं होगी। माता ने उचित ही कहा था, तो अब मैं वही मांगता हूं जो माता ने मुझसे कहा था। उचित है माता, तो फिर आप मुझे वही वरदान दे दीजिए जो आप राधा को दे रहे हैं। क्या स्वयं के लिए कुछ नहीं मांगोगे सांब? नहीं माता, आप बस राधा की कामना को पूर्ण कर दीजिए, मैं उसी में प्रसन्न हूं। तथास्तु। अद्भुत माता, आपने जो कहा था वो एकदम सही निकला। माता सरस्वती ने मुझे वासुदेव श्री कृष्ण का अंत करने से मना कर दिया, तो मैंने उनसे राधा की मनोकामना पूर्ण हो ऐसा वरदान मांग लिया। आर्य साम, अपने राधा की कामना पूर्ण करने का वरदान मांगकर प्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण की मृत्यु ही मांगी है। और राधा के बिना श्री कृष्ण जल बिना मछली के भांति तड़प कर अपने प्राण त्याग देंगे। साम, तुमने देवी सरस्वती से वो वरदान मांगा है तो द्वारकाधीश कभी नहीं चाहते थे। चलो तो फिर चलो और देखते हैं वासुदेव के कृष्ण और राधा के क्रंदन को। बहुत रुलाया है ना उन दोनों ने मुझे मिलकर। अब उनके नेत्रों से अश्रु गिरने का आनंद मैं उठाऊंगा, अत्यंत ही आनंद आएगा। हे देवी सरस्वती, मैं आपका आवाहन करता हूं, अब मेरी कामना पूर्ण कीजिए। तुम्हें माँ सरस्वती दिख रही है? तुम तो उनके भक्त हो ना, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि वो पुनः प्रकट हुई है? हाँ माता, पिताश्री के आवाहन पर देवी सरस्वती पुनः प्रकट हुई। श्री कृष्ण, आज मुझे आपकी कामना तो पूर्ण करनी ही होगी। कृष्ण कब किसी से कुछ मांगते हैं, ये तो मेरा सौभाग्य है। कहिए श्री कृष्ण, क्या कामना है आपकी? मैं अपनी राधे के लिए कुछ मांगना चाहता हूं। यदि राधा अपने कृष्ण से पूर्व जाना चाहती हैं तो जाए, किंतु इस प्रकार जाए जैसा आज तक कभी कोई नहीं गया।
राधा अंत तक, अंत के पश्चात अनंत तक कृष्ण की है, और जो भी व्यक्ति कृष्ण को चाहे वो राधा के शरण में जाए। राधा जब जाए तो स्वर्गलोक में सारे देव राधा के स्वागत के लिए वहां आए। राधा जब जाए तो सारा ऐश्वर्य, सारे गोप गोपियां, सारी सखियां, बरसाना वृंदावन की सारी गैयां उसके साथ चली जाए। राधा जब जाए तो उसके पांव के वृंदावन की धूप स्वर्गलोक को धन्य कर जाए। तत्पश्चात स्वर्गलोक के सारे देव पृथ्वी लोक पर राधा रानी का धाम देखने आए। राधा यदि कृष्ण को पीछे छोड़कर आगे चली जाए तो उसके अंतिम श्वास से संसार के हर एक प्राणी में केवल प्रेम भर जाए। और मेरी अंतिम कामना, राधा यदि चाहे तो मेरी बांसुरी अपने संग ले जाए। राधा कृष्ण का प्रेम अनोखा है। कृष्ण, आपने तो राधा की कामना का अर्थ ही बदल दिया, अपना सब कुछ दे दिया आपने राधा को। मैं हूं अगर काया तो कृष्ण, तुमने अपना सब कुछ दे दिया अपनी राधा को, कुछ भी नहीं रखा अपने लिए। राधा यदि चली गई तो कृष्ण के लिए वैसे भी सब कुछ चला गया। ना कोई सुर रहेगा मेरे जीवन में, ना कोई संगीत, ना कोई रंग, ना कोई सखी, कुछ भी नहीं। कृष्ण का जीवन राधा के बिना नहीं है। राधा के जाने के पश्चात कृष्ण की केवल केवल एक ही इच्छा होगी, शीघ्र अपने अंत को प्राप्त करना। हमने जो एक दूसरे के लिए मांगा है राधा, वो सदा हमें एक दूसरे के साथ रखेगा। चाहे मृत्यु आए या जो कुछ भी आए, हम कभी विलग्न नहीं होंगे। तथास्तु। क्या इन दोनों के अश्रु तो आनंद के अश्रु हैं। मृत्यु भी इन दोनों के आनंद और प्रेम का अंत नहीं कर पाई। राधा और श्री कृष्ण अब भी सुखमय कैसे हो सकते हैं? देखा देवी, कैसे इन दोनों ने मृत्यु को भी आनंद उत्सव बना दिया। यही है इनके प्रेम की शक्ति, राधा और कृष्ण की शक्ति। हाँ महादेव, राधा कृष्ण की बात को बिना बदले इतना सुंदर अर्थ दे दिया। इसी त्याग के कारण राधा कृष्ण का प्रेम अमर होगा।